प्रातः क्लास चल रहा था 18/9/64 शुक्रवार। तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी जो भगत इतनी भक्ति करते हैं कि भगवान आएगा तो उनके दर पर सन्मुख आएंगे। तो कितनी भीड़ मचेगी। संख्या भक्तों की ज्यादा होती है। यह प्रजावर्ग की ज्यादा संख्या होती है। भक्तों की संख्या ज्यादा होती है। प्रजावर्ग भले फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास प्रजा भी हो तो भी उनकी संख्या कम होगी। भक्तों के दर पर सन्मुख आएंगे भगवान तो कितनी भीड़ मचेगी। कब की बात बताई? 64 है। द्वापर में भगवान आते हैं। कब की बात बताई? मुरली कब की है और बात कब की बताए रहे हैं? संगम की तो मुरली भी है, लेकिन संगम में जो ये मुरली चलाई उसमें भविष्य के लिए इशारा दिया। अंत में भक्तों की भीड़ मचेगी क्योंकि भगवान के वारिसदार बच्चे भी होते हैं, भगवान की प्रजा भी होती है और भक्त भी होते हैं। देखो ये पराया चोला पहना हुआ है, इसकी तरफ इशारा किया है। ब्रह्मा की तरफ इशारा किया। ये पराया चोला पहना हुआ है। पराया माने किसका? मेरा अपना नहीं है। ये चोला किसका है? पराया माने है। पर कौन है और स्व कौन है? पराया चोला माने रावण का चोला है। इस पर रावण का अधिकार है। क्या ब्रह्मा रावण है? 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 अच्छा, रावण के चित्र में 10 सिर तो दिखाए जाते हैं, 5 विकार। फिर 5 विकारों का मूल कौन है? है देह अभिमान। और देह अभिमान से 5 विकार पैदा होते हैं। अर्थात देह अभिमान की गोद में ही 5 विकार खेलते हैं। देह में ही 5 तत्व होते हैं। तो पांच तत्व रावण के और पांच विकार रावण के। ये 10 सिर रावण के गए हुए हैं। जो देह अभिमान की बोध में खेलते हैं, उस यज्ञ के आज में भी रावण के 10 सिर ब्रह्मा की गोद में खेली थी। आज में ब्रह्मा कहो जिसके रूप की पूजा नहीं होती है। पूजा का आधार क्या है? माना ब्रह्मा में पवित्रता नहीं थी है? थी या नहीं थी? थी। फिर पूजा क्यों नहीं होती है? सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। अच्छा, अंत तक दुर्योधन दुशासन ही रहेंगे क्या है? जो आदि सुअंत भी तो होता है। ब्रह्मा ने जब अपना चोला छोड़ा तो उसे अंत कहेंगे, आदि कहेंगे, क्या कहेंगे? अंत कहेंगे। तो अंतिम समय में वो देह अभिमान का रूप था या नहीं था? तो आदि में भी। अच्छा, ब्रह्मा तो आदि और अंत में देवान का रूप हो गया, मन दो भी का गधा हो गया। शिव बाबा कौन है? क्या बन करके आता है? धोबी बन करके आता है। गधा किसे बनाता है? उसकी पीठ पर कितने गड़े दो कितने बस लादे गए हैं? 300-400 वस्त्र लादे गए। क्या करता है गधा? घाट पर लेकर जाता है। कौन सा घाट प्रसिद्ध है? धोबी घाट। वो धोबी घाट तो बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ कपड़े धोए गए और उस यादगार में आज भी धोबी वहाँ कपड़े धोते जाते हैं, चिल्लाते जाते हैं, क्या छी हो रहा हूँ। फटका लगाएंगे, क्या बोलेंगे? छी हो रहा। तो धोबी की यादगार तो है, वैसे भी दिखाते हैं। कि भागीरथ के पुरखों को कहाँ भस्म किया गया था है? नहीं, सागर तो कपिल मुनि का अंत है, जहाँ उनकी मूर्ति गंगा सागर के बीच में दिखाई जाती है। आदि कहाँ है? आदि कंपिला नगरी है। आज भी उस यादगार में कपिल मुनि का पुराना मंदिर बना हुआ है, शायद टूट गया होगा। तो वहां 7000 राजा सगर के पुरखों को क्या हुआ? साप मिला। साप मिला क्या? भस्म हो जाओ। अच्छा, वहां भस्म हो गए, फिर मुक्ति कैसे मिली? कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। गंगा के आने से उन पुरुषों की मुक्ति हो गई। वो स्थान भी कौन सा गाया हुआ है? जहाँ भस्म हुए होंगे वहीं मुक्ति भी हुई, क्योंकि गंगा आई। तो बताया उन पुरखों में श्रेष्ठ आत्माएं होंगी या नीची किस्म की आत्माएं होंगी? हैं? श्रेष्ठ आत्माएं ही रही होंगी। उन श्रेष्ठ आत्माओं में ब्रह्मा का नाम होगा या नहीं होगा? होगा। तुम बच्चे भी बैठे हो, ये जानते हो कि बरोबर बाबा है। वो बैठ करके हमको राजयोग सिखलाते हैं, पढ़ाते हैं। कपिल मुनि के बारे में क्या प्रसिद्ध है? है? कैसे योगी थे, कैसे ज्ञानी थे? सांख्य योगी। सांख्य माने जहाँ संख्या का ज्ञान होता है। किस युग में कितने जन्म लिए, किस वर्ग की आत्माओं ने कितने जन्म लिए, ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों के कितने जन्म होते हैं? सारी संख्याओं का ज्ञान कपिल मुनि के सांख्य योग से मिलता है। तो कपिल मुनि कहो, शिव बाबा कहो, एक ही है या अलग अलग है? वो पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, और ये कौन? ये तुम्मा। ये माने किस तरफ इशारा? घर बैठे भी भूल जाते हैं। कहाँ बैठे हैं? बाबा के घर में बैठे हैं, फिर भी भूल जाते हैं। ये ऐसी विचित्र बात है। तुम घर में रहते, साथ में रहते हुए भी बिल्कुल ही भूल जाते हो। ऐसे नहीं है ही भूल जाते हैं, तुम भी बाप के घर में रहते हो, है? नहीं रहते, कोई एक दो दिन तो रहते होंगे, कोई लगातार जीवन भर रहते होंगे। घर में रहते, साथ में रहते हुए भी बिल्कुल भूल जाते। इतना वो लाड़ माने प्यार, इतना वो रिगार्ड नहीं है, इसलिए भूल जाते हैं। इतना वो प्यार वो रिगार्ड नहीं है। अरे ये तो चकमक है। कौन? ब्रह्मा की बात हो रही है, किसके रिगार्ड की बात हो रही है? शिव बाबा के रिगार्ड की बात हो रही है। ये शिव बाबा तो चुंबक है, चुंबक, जिसकी कट निकली हुई हो वो सुई तो चटक चटक पड़ेगी। क्या कहा है? कौन आकर के चिपक जाएंगे चुंबक से, है? कलयुग है लोहे समान। सभी आत्माएं अंतिम जन्म में कैसी बन जाती? लोहे समान बन जाती, जिनकी कट कैसे उतरती है लोहे की, है? घास तेल में डाला जाता है, लोहे को मिट्टी के तेल में डाला जाता है, तब उसकी कट उतरती है। मिट्टी माने देवान की मिट्टी में डाला जाता है, धोबी भी कपड़े धोता है तो पहले क्या करता है? है? अभी तो साबुन चल पड़ा है। मिट्टी में से कपड़े धोने का सोडा निकाल लेते हैं। पहले सोडा नहीं था, क्या था? खेत में जहाँ कुछ भी पैदाइश नहीं होती थी, उस बंजर खेत में सोडा वाली मिट्टी होती थी। और धोबी लोग उस मिट्टी को इकट्ठा करके कपड़ों को उसमें लथेड़ते थे। क्या करते थे? लथेड़ते थे, और ही गंदा बना देते कि सुच्चा बना देते, और भी गंदा बना देते। फिर क्या होता? गधे के ऊपर डाल करके ले जाते। सुना होगा यज्ञ के आदि में भी धोबी घाट चलता था। चलता था या नहीं चलता था? उस धोबी घाट की बात को लेकर के सिंध हैदराबाद में इतना बड़ा बवंडर हुआ। ये धोबी की लाश को ही गुम कर दिया गया। क्या कारण रहा होगा? है, क्योंकि ये उस समय शिव बाबा की पूरी पहचान थी, साकार और निराकार के मेल की। पहचान का आधार क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान था? सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान था। तो ज्ञान न होने के कारण, पहचान न होने के कारण अधूरे ज्ञानी अधूरे योगी थे या संपूर्ण योगी थे? तो विरोधियों ने मौत दे दी। उन विरोधियों में मुख्य विरोधी कौन रहा होगा? है राम की आत्मा, इस्लाम धर्म की आत्मा। घर का भेदी लंका ढाबे। तो घर का भेदी कौन था उस समय? जो झगड़े की बातें जब शुरू हुई जोर शोर से, तो पहले नंबर में मैदान छोड़ करके भाग गए। कहाँ भाग गए? कराची में भाग गए। तो योगी थे या भोगी थे? ऐसे कह दिया भोगी थे। बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। आपके पास कोई प्रूफ है? योगियों का कोई हाथ पर नहीं होता है। योगियों का हाथ पर नहीं होता। योगियों का हार्ट फेल नहीं होता। अच्छा, बाकी दुनिया में जितने मरते हैं उनका हार्ट फेल नहीं होता है, तो योगी है, हैं? योगी कहे। कोई दूसरा कारण ढूंढो, हैं? नहीं, योगी बाप को पहचानने वाला होगा या न पहचानने वाला होगा? ज्ञान के बगैर योगी कैसे हो सकता? पहले ज्ञान फिर पहचान, और पहचान में भी मुख्य पहचान किसकी? बाप की पहचान। तो ब्रह्मा बाबा को बाप की पहचान थी? नहीं थी। कैसे? पहचान इसलिए नहीं थी कि वो गीता का साकार भगवान खुद को मानते थे। भक्ति मार्ग में भी क्या मानते हैं अपन को? आत्मा सो परमात्मा। तो फिर कौन से संप्रदाय हुए? जो अपन को भगवान कहते हैं वो हिरण्यकश्यप है। छठे हुए असुर हैं जो अपन को भगवान मानते हैं। और वो भगवान की पोल पट्टी ये है जो भगवान होगा कोई के भी संग के रंग में आएगा है? नहीं आएगा। संग के रंग में आने की निशानी क्या होगी? अरे संग के रंग में आने की निशानी होगी कि भगवान को तो अच्युतम कहा जाता है। क्या कहते हैं? अच्युतम माने हाँ माने नहीं, च्युतम माने नीचे गिरना। जो बुद्धि योग से कभी भी नीचे नहीं गिरता है, गीता में उसका नाम दिया है अक्षर। क्षर माने क्षरित होना और अक्षर माने जो कभी क्षरित न हो, शक्ति जिसकी कभी क्षीण न हो। तो शक्ति क्षीण नहीं होगी तो इंद्रियां निस्तेज होंगी क्या? है निस्तेज नहीं हो सकती। और जो योगी है वो भोगी भी नहीं हो सकता। योगी मुख्य कौन सी इंद्रिय को कंट्रोल करने वाला होगा? जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं शंकर को, कहते भी हैं देव देव महादेव, और मुरली में बोला है कि वो देव देव महादेव भी मेरा पार्ट है। किसका? शिव भगवान का। जो कामदेव को भस्म करने वाला है, इंद्रिय जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत। क्षरित होने वाला नहीं है। कोई कहेगा इसका क्या प्रूफ है कि ब्रह्मा बाबा क्षरित होते थे? इंद्रियों की शक्ति निस्तेज होती थी जब गोद में लेते थे। है? किसी ने जाके देखा क्या? है? नहीं देखा। अच्छा, जो कन्याएं माताएं गोद में जाती थी उनमें से कोई को यदा कदा कभी न कभी अनुभव तो हुआ होगा कि ब्रह्मा बाबा भी क्षरित हो जाते थे। चलो नहीं हुआ, परंतु ये तो पक्का साबित है कि वो योगी नहीं थे। अब योगी नहीं थे तो फिर क्या होंगे? भोगी। कौन सा भोग भोगते थे? है? कामेंद्रिय से भोग भोगते। तो किसी ने अनुभव नहीं किया कि क्षरित हुए, तो कौन सा भोग भोगते थे? है? अरे गोद में लेते थे ना, गोद में लेकर के हिलाते डुलाते थे कि नहीं? गुलाते डुलाते थे। हैं? तो भोग नहीं हुआ। वो देह अभिमान का भोग नहीं कहेंगे। और जहाँ देह अभिमान का भोग होगा वहां आकर इन कामेंद्रिय का क्या रिजल्ट आएगा? हैं? निस्तेज हो जाएगी। और जहां कामेंद्रिय निस्तेज होगी तो कमजोरी महसूस होगी या नहीं होगी? और बार बार गोद में लेंगे, बार बार कमजोरी महसूस होगी तो हार्ट के ऊपर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? भोगी का हार्ट कमजोर हो जाता है और अंत में ये रिजल्ट आ गया, क्या? हार्ट अटैक हो गया। तो देखो शिव बाबा का जो प्रैक्टिकल पार्ट है और ब्रह्मा का जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें अंतर समझ में आया क्या? शिव बाबा चकमक है, चुंबक। चुंबक माने है देह अभिमान की कट लगी हुई लोहे की सुई को खींच लेता है। इसकी कट उतरी हुई होगी, उसको खींचता है। उसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं। एडवर्टाइजमेंट बीके में होता है कि पीबीके में? एडवांस पार्टी में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, एक एक को बैठ करके समझाते। इसे कोई पब्लिकली एडवर्टाइजमेंट नहीं कहेंगे। एडवर्टाइजमेंट करना माने दिखावा करना। भारतीय परंपरा में ज्ञान योग का दिखावा होता है या क्रिश्चियंस में दिखावा होता है? और क्रिश्चियंस की और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है तो साबित होता है कि कृष्ण की आत्मा ने भी दिखावा करने वाली कृष्ण क्रिश्चियंस को फॉलो किया। गोद में लेते थे, शरीत भी होते थे, लेकिन पता किसी को नहीं पड़ता। दिखावा ये हो गया कि बड़ा योगी है। दिखावा होने से कोई को प्रूफ मिलता कि योगी है या नहीं है? मिलता नहीं मिलता। तो सब चक्करी में आ गए, इसकी चक्करी में आ गए। इसलिए ऋग्वेद में एक ऋचा भी आई है, रावणो ब्रह्मा। बहुत दिखावा करने वाला। सब उस दिखावे के प्रभाव में आ गए। तो बताया कि सुई की कट उतरती है तो ऐसी सुई चुंबक रूपी शिव बाबा को चटक पड़ती है। नजदीक आने मात्र से क्या होगा? हैं? तेजी से खिंची चली जाएगी। मुरली में भी बोला है, तुम बच्चों की जब बेसिकली सारी कट उतर जाएगी, जैसे लोहे के ऊपर 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 कट होती है जंग, वो उतर जाएगी तो तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। डायरेक्ट बाप से सीखने वाले नजदीक होंगे या दूर होंगे? नजदीक आ जाते हैं, जैसे सुई चटक जाती है। बाकी जिसकी कट लगी हुई होगी वो थोड़े ही उतना पकड़ेगी कि उतना ही पकड़ेगी, नहीं पकड़ेगी। उनकी कभी जरा भी कट न निकले, पाई की भी कट न निकले। कट तब निकले जबकि योग कायदे अनुसार हो। बीकेस के योग में और पीबी केस के योग में क्या अंतर है? कौन सा कायदे अनुसार है, कौन सा बेकायदे है? उनका निवृत्ति मार्ग का योग है, हमारा योग भी प्रवृत्ति मार्ग वाला है। निराकार भी चाहिए तो साथ में साकार भी चाहिए। दोनों के मेल को शिव बाबा कहा जाता है। ऐसे शिव बाबा की याद करेंगे तो प्रैक्टिस पक्की होती जाएगी, निरंतर भी बन जाएगी। नहीं तो सिर्फ निराकार को याद करने से प्रैक्टिस पक्की नहीं होगी। जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक की प्रैक्टिस पक्की नहीं होती है और वो आत्माएं स्वर्ग में आने के काबिल नहीं बन पाती। द्वापर कलयुग तक की चाड़ी चढ़ पाती है। क्यों? क्योंकि उनका योग कायदे अनुसार नहीं है, वो उस कायदे को पकड़ते नहीं है कि निराकार आत्मा भी होती है और निराकार आत्मा काम करने के लिए साकार शरीर का आधार जब तक न ले तब तक कोई काम नहीं कर सकती। ऐसे ही आत्माओं का जो बाप है शिव निराकार ज्योति बिंदु, वो भी जब तक शरीर में प्रवेश न करे तब तक कोई काम हो नहीं सकता। भले मुसलमान कह देते हैं अल्लाह मियां ने जन्नत बनाई, अल्लाह मियां ने ये फरमाया वो फरमाया, अरे क्या आकाश में से आवाज आई? जन्नत बनाई तो क्या कोई जादूगरी कर दी, फूंक मारी जन्नत बन गई? नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाना ऐसे फूंक मारने की बात नहीं है। भगवान तो प्रैक्टिकल में आकर के ये सारा कार्य करता है, तो याद भी कायदे अनुसार चाहिए। और उसके लिए ज्ञान भी बुद्धि में होना चाहिए। ज्ञान माने जानकारी, पहचान। आशीर्वाद भी औरों की चाहिए ना। तब ही ये कट निकलेगी। जिसको जंग का कहा जाता है, कब निकलेगी? जब आशीर्वाद चाहिए। किसकी आशीर्वाद? अरे ये माया की जंग लगी हुई है। तो आशीर्वाद किसकी चाहिए? माया रावण की, ब्रह्मा बाबा की। बड़ी से बड़ी आशीर्वाद किसकी चाहिए? शिव बाबा की आशीर्वाद चाहिए। और जंग लगती है डब्बों को। क्या कहा? डब्बों को जंग। टीम को तो क्या करते हैं? घास लेट में डाल देते हैं। तो तुम्हारे में भी जो माया की जंग लगी हुई है, वो जंग साकार में आए हुए निराकार के योग से एकदम निकल जाती है। फिर सुई कहो, आत्मा कहो, वो आत्मा बिल्कुल ही प्योर हो जाती है, साफ हो जाती है। तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते रहते हैं कि बच्चे अच्छे खुशबूदार फूल बन करके दिखलाओ। जो किसी के पास भी जाओ, तो तुमको देखते ही खुशनुमा वो खुश हो जाए। तुम्हारा हर्षित मुख चेहरा देखते ही क्या हो जाए? उनके ऊपर भी प्रसन्नता छा जाए। जल्द ही वो समय आएगा। है कौन सा समय? कौन सा समय आएगा? जो देखे, जो आंखों से देखे और जो कानों से दो शब्द भी सुने सन्मुख आकर के, उसके अंदर प्रसन्नता छा जाए या नहीं? छा जाए। तुम किसके सामने ऐसे बैठेंगे? क्या कहा? ऐसी स्टेज जब तुम्हारी बन जाएगी, तो तुम बच्चे नंबर बार ऐसी स्टेज धारण करेंगे कि जिसके सामने भी बैठेंगी और उनको साक्षात्कार होने लग जाएंगे। जो आदमी हुआ वो अंत में ब्रॉड रूप में होगा, विस्तार रूप में होगा। किसके साक्षात्कार होंगे? हैं? हनुमान के? गणेश के? हैं? बच्चे के साक्षात्कार होंगे। है? बच्चा बेसमझ होता है, ऐसे बेसमझ बच्चे के साक्षात्कार होंगे जिसकी बुद्धि परिपक्व नहीं होती है। आदमी क्या होता था? है? याद में बैठते थे, सामने आकर सिंध हैदराबाद में उनको साक्षात्कार होने लगते थे। किसके? है? कृष्ण बच्चे के साक्षात्कार होने लगते थे। बच्चा बुद्धि के साक्षात्कार। बच्चों को क्या चाहिए? है? बच्चों को शोर शराबा वाली चीजें, आकर्षण करने वाली चीजें चाहिए। या कुछ और चाहिए? आकर्षण करने वाली चीज चाहिए। तो जो भी बच्चे सामने आते थे वो कौन से कुल के, कौन से वंश के थे? हैं? कृष्ण के कुल के थे, कृष्ण चंद्रवंशी। वो बच्चे भी चंद्रवंशी। तो पास्ट की बात हुई। अब पूछा किसके साक्षात्कार होंगे भविष्य में? ये तो 64 की वाणी है, हैं? क्या बोला? अगर तुम बाहर में होंगी तो ब्रह्मा का, और कृष्ण का साक्षात्कार तो बहुतों को हो जाता है, क्योंकि यही डायरेक्शंस देते हैं कि ब्रह्मा के पास जाओ, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ। तो देखो अभी ब्रह्मा भी बैठा है, तब की बात। ब्रह्मा कुमारियां भी बैठी हैं, कुमार भी बैठे हैं। आगे चलकर तो उनको बिल्कुल झट साक्षात्कार होगा कि यहाँ जाओ, यहाँ बहुत बैठे हुए हैं। आगे चल करके तुम्हारी सभा का भी साक्षात्कार होगा। क्या कहा? सभा का साक्षात्कार। अभी किसकी सभा का साक्षात्कार होता है? ब्रह्मा बाबा की सभा का साक्षात्कार होता है। 64 की बात बताई। फिर तुम्हारी सभा का भी साक्षात्कार होगा कि जाओ, इन ब्राह्मणों की सभा में जाओ, वहां तुमको मैं मिलूंगा। क्या जो साक्षात्कार करने वाले भक्त होंगे, तुम बच्चों को देखेंगे सर्विस फील्ड पर, तो उनको से क्या साक्षात्कार होगा? है कि जाओ, वहां जाओ उन ब्राह्मणों के सभा में, वहां तुमको मैं मिलूंगा। कौन? शिव बाबा। क्योंकि बाबा साक्षात्कार दिखलाते हैं ना कि तुम वहां जाओ। 18:964 की वाणी का चौथा पेज देखो, कितनी युक्ति रची हुई है इस बात की। रियाज में साक्षात्कार होते थे तो कृष्ण का साक्षात्कार, बच्चे का साक्षात्कार होता था। सफेद पोष ब्रह्मा का साक्षात्कार होता था। कृष्ण भी बच्चा और सफेद कोष ब्रह्मा भी बच्चा बुद्धि। और अभी अभी साक्षात्कार होगा तो साक्षात्कार जो बोलता है मैं वहां तुमको मिलूंगा, ये मैं कहने वाला कौन होगा? जो साक्षात्कार सामने साक्षात होगा शिव बाबा उनकी प्रैक्टिकल स्वरूप का साक्षात्कार भक्तों को हो जाएगा। जिसको अपने कानों से सुनेंगे मैं तुमको वहां मिलूंगा, कहाँ है? ब्राह्मणों की सभा में मिलूंगा। वहां जाओ और मैं तुमको ये राजयोग सिखला रहा हूँ और तुम ये पद पाए सकते हो, राजयोग सीख करके राजाई पाए सकते हो। जैसे जैसे जितने जितने योगी बनेंगे उतने बड़े राजा बन जाएंगे। ये समझना है भी बरोबर सेकंड की बात। गाते भी है, कहते भी है, मन मना भव। क्या कहते? मत मने मेरे, मना मने मन में, भव मने समाजा। मुझे याद करो मत याजी भव, मुझे याद करो और मेरे लिए यजन करो। यजन करो माने यज्ञ करो, यज्ञ माने ईश्वरीय सेवा। जिस सेवा में तन भी स्वाहा, मन भी स्वाहा और धन भी स्वाहा, ये यज्ञ करो। यज्ञ करो यानी यजन करो, मत याजी भव। ऐसे करेंगे कि मेरे को याद करेंगे, मेरे लिए यजन करेंगे, यज्ञ सेवा करेंगे, तो तुम सूर्यवंशी बन जावेंगे। क्या कहा? ब्रह्मा के लिए नहीं है, क्या कहा? ब्रह्मा की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अगर करेंगे तो तुम सूर्यवंशी नहीं बने। क्या बनेंगे? चंद्रवंशी बनेंगे। मान लो आगे चल करके इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक भी निकलते और उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए तुम जो कुछ ईश्वरीय सेवा का कार्य करेंगे, ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान सुनावेंगे, तो सूर्यवंशी बनेंगे? अच्छा, चंद्रवंशी बनेंगे? ये सूर्यवंशी पद तभी पा सकेंगे जब मुझे ज्ञान सूर्य को पहचान करके मेरे से राजयोग सीखेंगे, मुझे याद करेंगे और मेरे लिए यजन करेंगे, माने यज्ञ सेवा करेंगे।